चलें एक्सरसाइज आप देखें 9.1 है पीटीबी की। इसमें हम सीखेंगे डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस किसके बीच में निकालना, देखें हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन आ जाता है, इधर देख लें एक बार। अक्सर आप ग्राफ में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है वो ज़ीरो ओरिजिन, ठीक है, और एक्स एक्सिस और एक्स डैश। अब मैं तो इसको ऐसे ही समझाता हूँ, ये ज़ीरो है, ठीक है। अब ज़ीरो से आगे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और ज़ीरो से पीछे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद ऊपर हमारे ये वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश। ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे नेगेटिव वैल्यूज़। अब हमें सपोज कोई दो वैल्यू देते हैं, वो कहते हैं 3 and 4। सपोज हमने कर लिया 3 and 4, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज नोन एज ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है। फिर से देख लें 3 4, ये स्पेशल अरेंजमेंट में, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्स होगा हमेशा और सेकंड वाला वाई होगा। मैं ज़रा इसको हाँ कर रहा हूँ। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब दिस इज आर 3 एंड दिस इज आर 4। कहाँ मिलेंगे ये पॉइंट होगा हमारा 3 और 4। सपोज एक और ले लेते हैं हम पॉइंट 2 और 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? डिस्टेंस इज अ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। सो व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? इसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, हम उसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, हम सीधा फार्मूले पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट आ गए, 3 4 और 2 1। इसको रेज कर दूँ मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता लगेंगे, ठीक है क्या। अब यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, हम लेक्चर को कोशिश करते हैं सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म्स ना यूज़ करें, ठीक है। अब देखें हर ऑर्डर पेयर में पहला वाला हमारा एक्स होता है, दूसरा वाई, एक्स वाई। अब ये हमारा पहला पेयर था इसलिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ठीक होगा, ये याद रहेगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स टू माइनस एक्स, मैं ठीक करके लिख देता हूँ आपके लिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेते हैं। आपके पास बुक के ऊपर भी ये फार्मूला लिखा होगा, गालबन पेज 169 के ऊपर ये फार्मूला मेंशन है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, मसला तो ये है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले मार्क कर लें एक्स वन कौन सा है, वाई वन कौन सा है, एक्स टू कौन सा है, वाई टू कौन सा है। बहुत से लोग इसको वैसे बगैर मार्क किए ही करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं गलती हो जाने के, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाती हैं। अब हमने एक्स टू ही क्यों पहले रखा, एक्स वन क्यों नहीं पहले रखा, क्वेश्चन ये उठता है ना। अब देखें आप थे खड़े बड़े खुशी खुशी 3 पे, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, एक्स वन कह लें इसको, ठीक है। अब यहां से एक पतंग आती है काट के, आके वो गिरती है यहां पे, ठीक है। आप बहुत खुशी 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 जंप्स लगाते हैं, यहां तक आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट एक्स टू हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही एग्जांपल देने हैं, 1 2 3, सपोज ये 5 पे आ गया, दिस इज आर एक्स टू। अब कोई पूछता है कि डिस्टेंस निकालें, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, तो डिस्टेंस हमेशा निकाला जाता है कि यहाँ से, अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देख लें क्या है तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा। डिस्टेंस इसके और इसके दरमियान डिफरेंस ही है, मतलब डिफरेंस क्या होता है, माइनस, ठीक है। मैथमेटिक्स में डिफरेंस किसे बोलते हैं, माइनस को। अब डिफरेंस हम 3 - 5 करके निकालें, नहीं, तो सब्ट्रैक्शन में हम कोशिश करते हैं कि बड़ा पहले रखें और छोटा, दैट्स वाई हम, ताकि पॉजिटिव आंसर आए, एक्स टू पहले रखते हैं और एक्स वन बाद में, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब इसको रेज कर दूं, ये वाला मसला भी क्लियर हो गया। तो
एक्स पॉइंट्स में से एक्स टू में से एक्स वन निकाल एक्स टू में से एक्स वन निकालेंगे और वाई टू में से वाई वन निकालेंगे। अब हमने वैल्यूज लिख ली हैं। गयूर मेरा बेटा, इसको छोड़ दें आप और इधर ध्यान दें, बल्कि चेयर अपनी थोड़ी सी इधर करें। अच्छा जी, अब x2 की वैल्यू लिखवाएं क्या? अगयूर लिखवाएगा, अगयूर x2 की वैल्यू क्या है? 2 x2 और x1, बल्कि वो मैं वैसे पहले रखना चाहिए था, वो छोटे थे तो वो पहले रखना चाहिए। चले कोई बात नहीं, x2 2 आ गई माइनस 3। y2 क्या है? y2 है 1 और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ये जस्ट हमने ऐसे ही ज्यूम करके वैल्यू लेनी थी समझने के लिए। अब 2 माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, ये हमारे पास नीचे आएगा। वन का स्क्वायर वन ही आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, और ये आ गया 9, और ये आएगा अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 रूट से बाहर नहीं आता क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो बुक में है 9.1 में, ठीक है। ये बेसिक्स हमने एक रिव्यू ले लिया। अब अगर इस साथ ही ले जाओ इंक, कह रहा हूँ लेके जानी है इंक, ले जाए आप, ठीक हो गया। क्वेश्चन लिखवाएं 9.1 का, कौन सा स्मार्ट सिलेबस में? अच्छा जी, डिस्टेंस निकालना है जी, बताएं। पहला पेयर क्या, ए हमारा क्या? 9 एंड 2, सेवन टू। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के लिए हम ये बार्स यूज करते हैं, ए बी। आप इसे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस का ए भी निकालना है, पहले तो कोशिश करें फार्मूला ही लिखा करें हमेशा, ठीक है। मैं जगह बचाने के लिए छोड़ रहा था, लेकिन कोशिश करें पहले डिस्टेंस का फार्मूला ही लिखें। बार बार फार्मूला लिखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये बेस में लिखेंगे आप, ठीक है। इसको ना पावर में लिख दीजिएगा। अब डिस्टेंस निकालना है ए बी का। इससे पहले कि हम एफिशिएंट बने, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं एक्स वन क्या है और वाई वन क्या है। पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। x1, y1 क्योंकि ये फर्स्ट था, x2 और y2। अगर हम इनके ऑर्डर चेंज करते हैं तो तरतीब चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये x1, y1 हो जाएगा, ये x2, y2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लेस करते हैं, लिखवाएं वैल्यूज। x2 है 7 माइनस 9 कुछ मुश्किल हुआ, इस तरह लिखने से मुश्किल नहीं होती है ना। 7 माइनस 9 विल बी माइनस 2 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और स्क्वायर रूट लें 4 का तो हमारे पास 2 आंसर आ जाए। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा 2, ठीक है। हाँ जी, जाहिर है 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें भला? तीन है, ठीक है, हो गया। इसको रेज कर दूं? Yes. अब मैं ये वाला यहां तक इसको लिखा रहने देता हूँ क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज करना है बार बार। ये ऊपर वाला पेयर रेज करते हैं। अभी हमने पहले कौन सा किया था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन वन का कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन वन का ए पार्ट कर लिया हमने, अब कौन सा है? सी पार्ट। अब ये वो पार्ट्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, मतलब जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, जो आजकल बुक्स मार्केट में हैं। अब लिखवाएं क्या है? ए माइनस एट वन, सिक्स एंड वन। अब मेंशन करेंगे आप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। मेरे ख्याल से एफिशिएंट बनने से बेहतर ये होता है बंदा मुहतात रहे, है ना। अगर हम केयरफुल रहेंगे तो गलती हो गई तो आपके मार्क्स कटेंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह लिखने से बाज़ुकात लोग ये भी कहते हैं आप बच्चे हैं छोटे, इस तरह लिख रहे हैं। हाँ देखा ना, अब उसको एकदम पता लग रहा है कि सिक्स माइनस एट माइनस माइनस एट, तो ब्रैकेट प्लेस कर लेंगे एक और का स्क्वायर प्लस जब भी नेगेटिव आए दो साइंस आ रहे थे इसलिए मैंने ब्रैकेट प्लेस किया। पहले ब्रैकेट खुलेगी माइनस एंड माइनस प्लस एट स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास
14 का स्क्वायर वो जीरो ही हो गया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि स्क्वायर को इधर ही काट दें, क्यों स्क्वायर लेते हैं आप, ठीक है बाद में भी तो काटते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम सीधा सीधा ले लें, इधर नेगेटिव नंबर होता था वो नेगेटिव ही रह जाता, इसलिए आप क्या करें इसका पहले स्क्वायर ले लें। अभी तो ये पॉजिटिव है, हम काट भी सकते थे। 196 आएगा और 196 14 का उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 14 आंसर आता है। इसलिए अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो तो स्क्वायर लेके एक बार उसको खोलें, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर लिया जाए, देखें नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर लिया जाए वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, टू टू आर फोर आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये इसके बीच में फिलॉसफी है। आगे एफ पार्ट है इसका, एफ में भी ए बी ही दिए हैं उन्होंने। चले नाइन एफ पार्ट है ये, ए जीरो 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 एंड ऑर्डर पेयर में पहला क्या होता है एक्स, दूसरा वाई, हमेशा याद रखिएगा। अब ए बी ही हैं तो डिस्टेंस ए बी ही निकलेगा, इस तरह भी लिख लेते हैं इसको कुछ लोग। फॉर्मूला आप रिपीट करेंगे बार बार ताकि आपको याद हो, लिखवाएं हाँ जी क्यू जीरो माइनस जीरो ठीक है। अब इसको ब्रैकेट लगाने की, क्योंकि इससे पहले को साइन नहीं था। अब देखें जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आ जाएगा, वहां पे बचा माइनस फाइव का स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट दें तो आंसर तो माइनस फाइव आएगा, ठीक है, तो उल्टा डिस्टेंस हो जाएगा वो। तो वैसे तो डिस्टेंस में हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, इसी वजह से उसने ये बार्स लगाई हैं एब्सोल्यूट की, ठीक है। तो साइन जो भी हो, लेकिन अगर आप स्क्वायर ले लें तो बेहतर होगा फाइव, क्योंकि ये बार्स से हमें पता लग रहा है कि वो डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही होता है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कितने डिस्टेंस है। इसमें साइंस नहीं कंसिडर किए जाते इतने, कि इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला किधर पढ़ा था, डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू सेवन चैप्टर में पढ़े थे, वो ये यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव फाइव ही लिखी जाएगी, क्योंकि ये बार समय बता रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होंगी। ना इसको थोड़ा तोड़े ताकि ये फोकस करे इसको। ठीक हो गया, कर दो रेस, ये वाला पहला पार्ट हो गया सारा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये आपके बस लिखवाएं पहला क्या क्या है, ठीक है, डिस्टेंस ही निकालना है, तो पॉइंट लिखवाएं क्या, ए क्या है, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री। अब इसमें मेरा बेटा देख लें, सिंपल बहुत से चीज़ें हैं जो इसमें बताने वाली हैं, ठीक है, लेकिन वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करती हैं। सीधी सी बात है, आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू गिवन है, चार वैल्यूज़ होती हैं, फर्स्ट यानी एक्स वन और वाई टू गिवन है। देखें हमारे पास टू और थ्री गिवन है, ठीक है, ये नहीं गिवन, ये नहीं गिवन। जब भी आप यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे खुद से, ठीक हो गया, वैल्यू पूरी हो गई। आप इसको लेट भी कर सकते हैं, ए बी लेट कर लें और कंप्लीट कर लें। इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देती है, याद रखें बस इतना ही इसका फलसफा याद रखें। अब ए बी हमने खुद से नाम दिए, इनको लेट किया, अब इनका डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिखवाएं। हमने आगे इतनी एग्जांपल की थी, अब वैल्यूज रखवाएं, x2 क्या है, माइनस टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, हमारे पास आ गया फोर प्लस नाइन, क्योंकि थ्री टू का स्क्वायर फोर नाइन, और ये नाइन और फोर कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट 13, दैट इज आर आंसर, ठीक है, सिंपल यही इसका आंसर होगा। कदों रेज कौन सा पार्ट था ये, सेकंड पार्ट का कौन सा आ गया, ए पार्ट क्वेश्चन टू, सेकंड वाला पार्ट था ये, स्मार्ट सिलेबस में शामिल है फिल वक्त तक। अगर कोई क्वेश्चन और भी हो, अगर हमसे कोई मिस हो जाए तो वो आप खुद कर सकते हैं, मेथडोलॉजी सेम रहेगी जी। लिखवाएं
थ्री वाला, थ्री वाला ए क्या है? जी बी इज इक्वल टू सी, हम पहले बना लेते हैं, यानी माइनस एट जीरो से जीरो और सिक्स मीन फर्स्ट और लास्ट गिवन हमें। अब डिस्टेंस निकाल लें, ए बी हमने खुद सेलेक्ट किया है इसको, ए बी डिस्टेंस फार्मूला आ गया हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई। अब मैं एफिशिएंट टीचर लग रहा हूँ ना, है ना, इसलिए सिखाया स्लो ही जाता है। इसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाए फिर आप फास्टली कर सकते हैं। अब एक्स टू हमारा क्या है? जीरो माइनस माइनस एट का स्क्वायर प्लस वाई टू हमारा क्या है? सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लेते हैं, जीरो माइनस माइनस प्लस एट का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर। अब आ गया एट का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, एट स्क्वायर सिक्सटी फोर एंड थर्टी सिक्स विल बी अंडर रूट हंड्रेड, हंड्रेड रूट हंड्रेड टेन के इक्वल। ये आंसर हमारा, अगर स्पीड से करें तो हम इतनी स्पीड से कर सकते हैं। अभी इसको मैंने तेज़ी से इसलिए कर लिया क्योंकि हमने पीछे काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसके लर्निंग पे ही, है ना, कि इनका सीन क्या है वैसे। हाँ जी लिखवाई लास्ट, वैसे ना अभी हम अगर टाइम बचा तो 9.3 को भी साथ ही छेड़ेंगे, तो दो ही टॉपिक हैं इनमें, वो बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ जी ए इज इक्वल टू माइनस नाइन, कौन सा पार्ट आइए और इसका सिक्स पार्ट हो गए, बी इज इक्वल टू माइनस फोर। अभी जल्दी जल्दी करते हैं, ए आ गया माइनस नाइन एंड ज़ीरो एंड बी आ गया ज़ीरो माइनस फोर, डिस्टेंस फार्मूला भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप प्रॉपर वे करेंगे जैसा उसने किया हुआ है। एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का वाई टू, हाँ ये माइनस फोर था ना, चलो मैंने माइनस फोर लगा दिया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस नाइन का स्क्वायर, वहाँ पे आ गया फोर माइनस फोर का, नाइन का स्क्वायर एटी वन प्लस सिक्सटीन, एटी वन प्लस सिक्सटीन करें कितना होता है, ज़रा छः और एक सात, आठ और एक नाइन्टी सेवन, नाइन्टी सेवन अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता, इस वजह से ये अंदर ही रहेगा। घुमा के जल्दी से पेज आंसर भी चेक कर ले, वैसे इसका डस्टर मारा ले गया कोई, ये पड़ा हुआ, चलिए मेरे बेटा जल्दी जल्दी इसका घुमा के आंसर देख लो, अंडर 97 है इस तरह का कोई आंसर, बस इतना चेक करो, ये ना मैच किया करो के पहले का फला तो इसी है ना, बस तो यही सीखा ही होगा, इतना इस तरह चेक करता मैं तो, इस तरह आंसर चेक करता हूँ। अब 9.3 पे आ जाए, ये हमने निकाला डिस्टेंस दो पॉइंट का, ये देखें एक पॉइंट ये था एक पॉइंट ये था, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकाल लिया। इधर देखें मेरा बेटा, एक्स वन वाई वन और एक्स टू और वाई टू, अब वो कहते हैं इनका मिड निकालो, मिड हमें पता है एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू, इट मीन्स दोनों x को प्लस पकड़ के हाफ कर दो, दोनों x इकट्ठे करो और हाफ कर दो, दोनों y इकट्ठे करो और हाफ कर दो, हाफ हाफ यानी मिड, मैथमेटिक्स में मिड या हाफ टू से डिवाइड करने से ही होता है, जो कुछ आपके पास है सम करें, टोटल करेंगे तो हाफ करेंगे ना, टोटल किया हमने x, दो पॉइंट्स हमारे पास, हमने x इकट्ठे किए उनका हाफ कर दिया, y इकट्ठे किए उनका हाफ कर दिया, हमारा मिड पॉइंट निकल आया। 9.3 निकाल लें जल्दी जल्दी, 9.3 निकाल लें और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम करें गे, जल्दी जल्दी मेरा बेटा जल्दी जल्दी, चले लिखवाएं जल्दी जल्दी मिड पॉइंट निकालें उसका, ठीक है, ठीक है, क्या है ए, क्या है हमारा नाइन टू जी और बी सेवन टू। अब देखें हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं हम, इसको मिड पॉइंट ही लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो एग्जांपल से देख लें क्या लिखता है वो फार्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, प्लस में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, उसमें माइनस हो रहे थे इसलिए एक्स टू पहले ही रखा, इसमें भी आप पहले रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अब वैल्यूज पुट करके बस ऑफ कर दें, क्या आया हमारे पास एक्स वन, क्या हमारे पास 9 + 7/2 और 2 + 2/2, 9 + 7 = 16, 4/2, तो मिड पॉइंट हमारा होगा 8/2, दैट इज आर आंसर, दिस इज आर एक्स, दिस इज आर वाई, ये इनका हाफ होगा, इजी है ना। तो ये हमारा काम ही खत्म हो गया, कर दो रेज़ ये। अच्छा जी, अब क्वेश्चन टू का लिखवा लें फास्टली फास्टली ताकि वीडियो छोटी बने। क्वेश्चन वन का डी पार्ट है और ये एक्सरसाइज है 9.3। जी मेरे बेटा छोड़ दे, मैं आपको कह रहा हूँ इसको, ठीक आ गई थी करोने या ए माइनस फोर नाइन माइनस फोर माइनस थ्री। अब देखें हम डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालेंगे, उन्होंने मिड पॉइंट बोला, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, हमें पता है दोनों एक्स को हाफ करेंगे दोनों वाईस को, माइनस फोर प्लस माइनस फोर ओवर टू, 9 + -3/2, अब ब्रैकेट्स हमें करनी पड़ेगी, माइनस फोर प्लस माइनस माइनस फोर ओवर टू, 9 + -2/2, इसको नीचे थोड़ा क्लियर कर दूँ ताकि आपको, माइनस फोर माइनस फोर माइनस 8/2, 9 - 3 हाउ मच 6/2, माइनस फोर एंड थ्री दैट इज़ आर आंसर, माइनस थ्री माइनस पॉजिटिव ही थ्री आएगा। चले मेरा बेटा जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, लास्ट इसको रेस कर दूँ। अगर कैलकुलेशंस में कोई इश्यू हो तो आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो मेथडोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, और जिनको इस फॉर्मेट के ऊपर एतराज़ हो वो फॉर्मेट एग्जांपल वाला कॉपी करें, ठीक है, मेथडोलॉजी यही होगी, फॉर्मेट आप कोई भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे अलमिया ये है कि हम लोग बनाने संवारने पर लगे रहते हैं, सीखते उसको नहीं है, है ना, आता होता नहीं है, बस रटे मार के उसको बना संवार के लिखा होता, आता कुछ भी नहीं है। हाँ जी, 0 0 0 0 and -5, मिड निकालना हमने, दोनों एक्स को पकड़ के हाफ करेंगे, दोनों वाई को पकड़ के हाफ करेंगे, वो हमारा मिड होगा। हाँ लिखें, जाहिर है याद रहेगा, अदरवाइज तो भूल जाता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, हमारा 0 + 0/2 एंड 0 + -5/2, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0/2, वहाँ पे आ गया -5/2, ये हमारे पास आ गया 0, वो हमारे पास कितना आएगा 5 का हाफ करें तो -2.5, यहाँ वैसे भी उसको ऐसे ही रहने दें तो कोई इशू नहीं है, तो हमारा 9.1 9.3, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें, और लॉन्ग क्वेश्चंस इसके 9.3 से आते नहीं आई बिलीव, और हमारी पेयरिंग में भी नहीं है, वैसे 9.3 के क्वेश्चंस ऐड होंगे लेकिन हम इसमें अभी नहीं कर रहे। स्मार्ट सिलेबस चाहिए आपको, देखें जी ये वाली बुक वाले ज़िम्मेदार हैं लोग, हमने इनके अकॉर्डिंग करवा छोड़ा, ठीक है, तो इनको सीखें तो आपको काम आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दानिश हुसैन।